नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हड्डियों से रिलेटेड कुछ बीमारियों की और उनके उपचार की आयुर्वेद के द्वारा। सभी उपचार राजीव दीक्षित जी द्वारा बताए गए हैं, तो आइए दोस्तों जानते हैं। पहले शुरुआत करते हैं गठिया से संबंधित रोगों की। गठिया या संधि बात की सबसे अच्छी दवा है मेथी, हल्दी और सूखा हुआ अदरक यानी कि सौंठ। इन तीनों को बराबर मात्रा में पीसकर इनका पाउडर बनाकर एक चम्मच लेना है गर्म पानी के साथ सुबह खाली पेट, तो इससे घुटनों का दर्द ठीक होता है, कमर का दर्द ठीक होता है और 1.5 से 2 महीने हम इसे रेगुलर ले सकते हैं। गठिया संधि बात, इसकी दवा है मेथी, हल्दी और सूखा हुआ अदरक सौंठ। हल्दी, मेथी, सौंठ, ये तीनों को बराबर मात्रा में पीसकर इनका पाउडर बना के एक चम्मच लेना गर्म पानी के साथ सुबह खाली पेट, तो इससे घुटनों का दर्द ठीक होगा, कमर का दर्द ठीक होगा, 1.5 से 2 महीने ले सकते। एक अच्छी और दवा भी है जो राजीव दीक्षित जी ने गठिया के रोग के लिए बताई है। एक पेड़ होता है, उसे हिंदी में हर सिंगार का पेड़ कहा जाता है, संस्कृत में पारिजात कहते हैं, बंगला में शिवली कहते हैं। अब करना क्या है जानते हैं। उस पेड़ पर छोटे छोटे सफेद फूल आते हैं और फूल की डंडी नारंगी रंग की होती है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये फूल रात में खिलते हैं और सुबह को जमीन पर गिर जाते हैं। इस पेड़ के 5 पत्ते तोड़कर पत्थर पे पीसकर इसकी चटनी बनानी है और 1 ग्लास पानी में मिलाना है। फिर इस पानी को उबालना है, को इतनी देर तक उबालना है कि पानी उबल के आधा रह जाए। अब इस पानी को हमें डेली सुबह पीना है खाली पेट। इस पानी के सेवन से पुराना गठिये का दर्द भी ठीक हो जाता है। 20-20 साल पुराना दर्द भी ठीक किया है इस नुस्खे से राजीव दीक्षित जी ने। और ये ही पत्ते को पीस के अगर गर्म पानी में डाल के पिए तो बुखार भी ठीक होता है। ऐसे बुखार ठीक करने का दावा करते हैं राजीव दीक्षित जी, जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, ब्रेन मलेरिया, ये सभी बुखार इसी नुस्खे के द्वारा ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी गठिया की बात। आइए अब जानते हैं जोड़ों के दर्द का इलाज। बथुए के ताजा पत्तों का रस 15 ग्राम प्रतिदिन पीने से गठिया दूर हो जाता है। इस रस में नमक, चीनी आदि बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। नित्य प्रातः खाली पेट लेकर या फिर 4 बजे लेना है। इसको लेने के आगे पीछे 2 घंटे तक कुछ नहीं लेना। माने अगर 4 बजे आप इसका सेवन करते हैं तो 2 बजे दोपहर के बाद कुछ नहीं खाना है और 6 बजे के बाद ही कुछ खाना है। 2-3 माह तक इसको आप लगातार लें तो जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बात थी जोड़ों के दर्द के बारे में। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि हमने अपने पिछले वीडियो में चूना खाने के फायदे भी बताए थे। चूना भी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा रहता है और राजीव दीक्षित जी चूना और मेथी, ये 2 चीजों के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर देते हैं कैल्शियम को अपनी बॉडी में बढ़ाने के लिए। तो यदि हम मेथी दाना और चूना, ये 2 चीजों का सेवन हर रोज प्रतिदिन करें तो इससे भी हमारी हड्डियों का दर्द ठीक होता है। चूना खाने के कितने फायदे हैं ये आप देख सकते हैं हमारी दूसरी वीडियो में, जो हमने पहले ही डाली हुई है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस 2 तरह का होता है, ऑस्टियोअर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये दोनों ही तरह का अर्थराइटिस एक दवा के प्रयोग से ठीक हो सकता है, जिसका नाम अभी मैंने सुझाया था, जो कि है चूना। जी हाँ, वही चूना जो हम पान में डालकर खाते हैं। सिर्फ 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना प्रतिदिन सेवन करने से हमारे हड्डियों का, अर्थराइटिस का पूर्ण तरीके से इलाज कर सकता है। अब इसका सेवन कैसे करना है आइए जानते हैं। गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज सुबह खाली पेट 1 कप दही में मिला के खाना चाहिए। दही नहीं तो दाल में मिलाकर भी खा सकते हैं और दाल नहीं तो पानी में मिलाकर भी इसका सेवन किया जा सकता है। इसे हमें प्रतिदिन लगातार 3 महीने तक सेवन करना है, जिससे अर्थराइटिस जड़ से खत्म हो जाता है। ये दावा है राजीव दीक्षित
दीक्षित जी का। ध्यान रहे, पानी पीने के समय हमेशा बैठकर ही पानी पीना चाहिए। अगर आपके हाथ या पैर की हड्डी में कट कट की आवाज आती हो तो भी वह चूने से ठीक हो जाएगी। दोनों तरह के अर्थराइटिस के लिए और एक अच्छी दवाई है मेथी का दाना। जैसा दोस्तों अभी मैंने कुछ ही समय पहले आपको बताया था, मेथी दाना और चूना ये दोनों ही रामबाण है हमारी हड्डियों के लिए। अब मेथी दाने का सेवन कैसे करना है? एक छोटा चम्मच मेथी का दाना एक कांच के ग्लास में गर्म पानी लेके उसमें डालना है, फिर उसको रात भर भीगने के लिए छोड़ देना है। सवेरे उठकर पानी को सिप सिप कर पीना है और मेथी का दाना, जो मेथी दाना हमने उसमें भिगोया था पानी में, उस दाने को चबा चबा के खाना है। 3 महीने तक ऐसा करने से अर्थराइटिस जड़ से खत्म हो जाता है। दोबारा कहना चाहूंगी कि पानी को हमेशा ही बैठकर पीना चाहिए और घूट घूट कर ही पीना चाहिए, नहीं तो ठीक होने में समय लगता है। ऐसे अर्थराइटिस के मरीज जो पूरी तरह बिस्तर पकड़ चुके हैं, 40 साल से तकलीफ में हैं या 30 साल से तकलीफ में हैं, और ऐसी हालत भी हो सकती है कि वो 2 कदम भी ना चल सकते हों, हाथ भी ना हिला सकते हों, पूरे दिन लेटे रहते हों बेड पर, करवट भी ना ले पाते हों, यदि ऐसी अवस्था भी हो गई हो अर्थराइटिस में, तो भी ऐसे रोगियों के लिए वही औषधि काम आती है जिसके बारे में हम प्रायः बात कर चुके हैं, जो है हार सिंगार का पेड़। जैसा हमने पहले भी बताया है कि इस पेड़ के 5 से 6 पत्ते तोड़कर उनको पीस कर पानी में मिलाकर उबालना है और उसका प्रतिदिन सेवन करना है 3 महीने तक लगातार। और अगर ऐसा करने के बाद पूरी तरह से आराम ना आए तो क्या करना है? ऐसी स्थिति में 10 से 15 दिन का गैप देके फिर से इसी पेय का सेवन दोबारा से शुरू करना है 3 माह के लिए। अधिकतम केसेस में ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीने में रोगी ठीक हो जाते हैं। इसको हर रोज नया बना के पीना है, ताजा बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि आज हमने अगले 3-4 दिन का पानी इकट्ठा ही उबाल कर रख लिया, नहीं। राजीव जी कहते हैं कि डेली बनाएं, डेली पिएं, हर रोज नया ताजा बनाएं और उसका सेवन करें। ये औषधि एक्सक्लूसिव है और बहुत स्ट्रॉन्ग औषधि है, इसलिए अकेली ही देना चाहिए, इसके साथ कोई भी और नुस्खा ना शुरू करें। ध्यान रहे, पानी को बैठकर ही पिएं। मनुष्य को शरीर हिलाना भी मुश्किल हो जाता है, वो जिस स्थिति में लेटा है उसी में लेटा है, थोड़ा भी करवट बदले भयंकर दर्द होता है, उंगलियां ऐसी हो जाती है हिलना भी संभव नहीं होता। ऐसी कंडीशन जब हो जाए, बात अंतिम स्थिति में पहुंच जाए, बिल्कुल विकृत हो जाए, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तब एक औषधि काम आती है। और वो औषधि है, आपने वो देखा परिजात, परिजात का पेड़ होता, परिजात के पेड़ के पत्ते 40 साल पुरानी अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी ठीक कर देते। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना हड्डियों के कुछ रोगों को ठीक करने का नुस्खा। उम्मीद है कि आपको ये नुस्खे काम आ रहे होंगे। राजीव जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आयुर्वेद और भारत को समर्पित किया, हमारा कर्तव्य है कि हम उनके इन नुस्खों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें आयुर्वेद के द्वारा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का, और हाँ, हमें जरूर बताएं कि आपको राजीव जी के ये नुस्खे कैसे लग रहे हैं। यदि आप किसी बीमारी से रिलेटेड कोई नुस्खा चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इन वीडियोस को अपने परिजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप इत्यादि पे शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ रखें। नमस्कार दोस्तों।